हेलो एवरीवन, यू वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। एक ऐसा वीडियो आज मैं आपके लेकर आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी। बेसिकली इसका एक छोटा सा पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन दैट वाज अबाउट कि कौन कौन से केमिकल्स आपको शैम्पूज में अवॉइड करने चाहिए। और उसके एंड में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कौन कौन से शैम्पूज जो है इंडिया में अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं, सेफ हैं। सो आई रिकमेंड कि आप वो वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है वो कौन से केमिकल्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने शैम्पूज में, क्योंकि ना सिर्फ वो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, कई स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं जो उसकी वजह से आपको हो सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आप खुद ही पता कर सकते हैं कि जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी है या फिर नहीं। लेकिन मेरे पास सेपरेट एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कौन कौन से शैम्पूज जो हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं, तो उसी के बारे में वीडियो है ये। सो चलिए मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कौन से शैम्पू हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जो केमिकल फ्री हैं और आपके बालों को डैमेज नहीं करेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे कौन से शैम्पू हैं इंडिया में जो केमिकल फ्री हैं, टॉक्सिन फ्री हैं, 100% हर्बल हैं और आपके लिए पूरी तरह सेफ हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्ड होता मैं सिर्फ एक ही शैम्पू के बारे में बात करती, ना कि इतने शैम्पू के बारे में। मेरा जो ये व्यू है ये शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, कितने उसमें इंग्रेडिएंट यूज हैं, केमिकल हैं नहीं है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, कुछ रिसर्च मैंने की है, कुछ जो ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनसे बात की है, अपने दोस्त से, अपने क्लाइंट से, और साथ ही ऑनलाइन रिव्यूज़ और जो डेटाबेस अवेलेबल उसके बेसिस पे मैंने ये लिस्ट तैयार की है आप लोगों के लिए। बेसिकली इनमें से काफ़ी शैम्पूज मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं प्रेफर करती हूँ घर का अपना शैम्पू बनाकर यूज़ करना, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं बेसिकली आई रीड अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ ना, रिव्यूज़ जो होते हैं कई लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ, बीट ऑनलाइन बीट शॉप में जाकर, तो मैं उनकी रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है विश केयर का एरगिन ऑयल शैम्पू। सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, 300 ml आपको मिलेगा 600 रुपये के आसपास। रिव्यू अगर देखें ऑनलाइन तो 4 से 4.5 इसको स्टार्स दिए हैं यूज़र्स ने आउट ऑफ 5। एक अच्छा ब्लेंड है ऑयल्स का, इसके अंदर एरिगन, एवोकाडो, टी ट्री, जोजोबा, आलमंड, सोया प्रोटीन और एलोवेरा है। ये क्लेम करता है कि काफ़ी हेल्दी है और 10 हेयर की प्रॉब्लम से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो डैमेज हेयर हो, बालों को शाइन देता है, डैंड्रफ रोकता है, वॉल्यूम देता है बालों को, हेयर फॉल से प्रिवेंट करता है और साथ ही बालों को हाइड्रेट करता है। बहुत अच्छे ऑयल का ब्लेंड है, लेकिन कई लोगों ने, मैंने रिव्यू पढ़े, कहा थे कि थोड़ा सा ड्राई कर देता है, और यही इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इतने ज़्यादा ऑयल्स के होने के बावजूद अगर ये ड्राई कर रहा है तो आई थिंक देर हैज़ टू बी समथिंग विच नीड्स टू बी इम्प्रूव। 9th नंबर पर है फॉरेस्ट असेंशियल का ब्रिंगराज एनशिका शैम्पू। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव है, 200 ml आपको मिलेगा 1175 में। इसके अंदर कलौंजी, कैस्टर ऑयल, कोकोनट मिल्क, लेकर राइस, आलमंड ऑयल और बहुत ही और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये डैंड्रफ से रोकता है, स्कैल्प को क्लियर करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इसके यूजर्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा झाग नहीं होते, काफी फ्लैट हो जाते हैं बाल, लेकिन क्लीन बहुत अच्छी तरह करता है बालों को, ये एक पॉजिटिव है। तो आपको बहुत झाग वाला अगर शैम्पू चाहिए तो ये शैम्पू आपके लिए नहीं है। ये प्रमोट करता है रीग्रोथ को, मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, हेयर थिनिंग की जिसे प्रॉब्लम होती है, ब्रिंगराज जो है वो हेयर की ग्रोथ को अच्छा करता है, रिड्यूस करता है हेयर फॉल को, शिकाका है इसके अंदर, और लिकराइज यानी मुलेठी जो है वो कंट्रोल करती है डैंड्रफ को, स्टिमुलेट करती है ग्रोथ को, तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा हल्का सा एक्सपेंसिव है और इसीलिए मैंने इसे 9वें नंबर पर रखा है। अगर प्राइस कम होता तो ये टॉप 3 में आने के लायक था। नेक्स्ट जो शैम्पू है 8th पर, जूसी केमिस्ट्री का एप्पल साइडर विनेगर एंड आर्गन शैम्पू। केमिकल फ्री है, टॉक्सिन फ्री है। इसे शैम्पू के बारे में मुझे पता लगा था जब मैं ऊटी गई थी लिए अपने भैया को विजिट करने के लिए। 100 ml 600 rupees का है, तो एक्सपेंसिव साइट पर है। रिव्यूज बहुत अच्छे हैं इसके अंदर, एप्पल साइडर विनेगर के अलावा इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, कैस्टर ऑयल है, प्रोमोगनेट ऑयल है,
पेपरमिंट, लेवेंडर एंड विटामिन ई है इसके अंदर। इसे सर्टिफिकेशन मिला है ऑर्गेनिक होने का। आपके बालों के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, ये एक्सफोलिएट करता है स्कैल्प की स्किन को जो बिल्डअप हो जाता है स्कैल्प के ऊपर एप्पल साइडर विनेगर, उसे क्लियर करता है, अनक्लॉक करता है आपके हेयर के फॉलिकल्स को। सिलिकॉन फ्री है, BHT BHA फ्री है, कोई हिडन इंग्रेडिएंट नहीं है, सबसे अच्छी बात है। सारी चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर। ये शैम्पू अच्छा बहुत है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड है। आपकी पॉकेट में फिट होगा तो इसे जरूर आप लीजिए, अदरवाइज आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शंस हैं। खादी काफी पॉपुलर ब्रांड है इंडिया में, और खादी का आंवला शिखर का शैम्पू जो है वो काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है खादी के साथ। इट इज केमिकल फ्री, नो डाउट, 100% हर्बल है, आपकी पॉकेट को सूट करने वाला है, बजट फ्रेंडली है। रिव्यू काफी अच्छे हैं इसके, शिकाकाई, आंवला, तुलसी, मेहंदी, लेमन, त्रिफला, ये सारे जो हर्ब्स होते हैं बालों के लिए काफी अच्छा होता है। ये प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ को, डर्टी स्कैल्प को क्लियर करता है। लेकिन अगर आप इसे इसके कॉम्बिनेशन यानी इसके साथ कंडीशनर भी यूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देता है। मैंने एक खादी के शैम्पू का रिव्यू पढ़ा था कि इससे बाल काफी ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे लगा मेरे बाल काफी एक्चुअली ऑयली हैं और स्पेशली विंटर्स में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो शायद ये शैम्पू मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं लेकर आई पर एक्चुअली वो इतना ज्यादा ड्राई कर रहा था बालों को कि उलझने के बाल मेरे बाल बाद में सुलझ ही नहीं रहे थे, एंड इट वॉज एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस। लेकिन जब मैंने उसको उसके कॉम्बिनेशन में कंडीशनर के साथ यूज किया तो बेटर था वो, बट स्टिल अच्छे हैं खादी के शैम्पू, वो पर्टिकुलर शैम्पू लेकिन मुझे सूट नहीं किया। अगला जो शैम्पू है वो है बाय मामा अर्थ, केमिकल फ्री है, टॉक्सिन्स फ्री है, बिल्कुल ही सेफ है। 200 ml आपको मिलेगा 349 rupees का, तो बजट फ्रेंडली ही कहूंगी मैं इसको। 4.4-4.7 इसकी आउट ऑफ 5 रेटिंग जो यूजर्स है उन्होंने दी है। ब्रिंगराज ऑलिव ऑयल इसके अंदर है, चेस्टनट, आंवला, सेज ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। काफी अच्छी स्मेल है इसकी, सुटेबल है हर स्किन के लिए, स्कैल्प के लिए, लेकिन अगर कंडीशनर के साथ यूज करेंगे तो काफी बेटर रहेगा। और मैं इसे कॉन्टैक्ट में आई थी जब मैंने इसके बेबी प्रोडक्ट यूज किए थे अपने बेबी के लिए, आई वॉज हाईली सेटिस्फाइड, और उसी लिए मैंने इसके जो वुमेन के लिए प्रोडक्ट है वो भी मैंने ट्राई करने का सोचा, एंड मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुई, आई वॉज 100% सेटिस्फाइड। अरोमा मैजिक शैम्पू, ये मैं बहुत पहले से यूज करती आ रही हूँ। इसके दो तरह के शैम्पू हैं, एलोवेरा का क्रीम शैम्पू एंड त्रिफला शैम्पू। अगर आपके बाल हद से ज्यादा ड्राई हैं तो आप इसका एलोवेरा क्रीम शैम्पू यूज करें, और अगर आपके बहुत ज्यादा ऑयली बाल हैं तो आप इसका त्रिफला शैम्पू यूज करें। केमिकल फ्री है, टॉक्सिन फ्री है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं बाय ब्लॉसम कोच, मैंने उनकी काफी क्लासेस भी ली थी, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है। मेथी है इसके अंदर, आंवला है, शिकाकाई है इसके अंदर, रोजमेरी है, लेमन है, ग्रीन एप्पल है, सारे के सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। मैं रेकमेंड करूंगी इसे बिकॉज मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे ये प्रोडक्ट। ये भी एक अच्छा शैम्पू है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं, बजट में भी है। चौथे नंबर पर है जस्ट हर्ब्स का एलोवेरा वीट जम मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, हर्बल है, केमिकल एंड टॉक्सिन फ्री है। 200 ml आपको मिलेगा 545 rupees का। रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, एलोवेरा वीट जम ऑयल है इसके अंदर, हिबिस्किस एक्सट्रैक्ट है, सोया है इसके अंदर, काफी स्मूथ सिल्की रखता है अपने बालों को, आपके बालों को क्लीन करता है अच्छी तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा ड्राइड बालों के लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। हालांकि बॉटल पे लिखा है इट इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई हेयर, लेकिन रिव्यूज ऐसे नहीं है। साथ ही वीट जर्म ऑयल जो है, जो फ्री रेडिकल्स जो होता है वो आपके बालों से रिमूव करता है, सोया जो है इसके अंदर वो बालों को रिपेयर करता है, स्ट्रेंथन करता है, और हिबिस्किस ऑयल स्पेशली डैंड्रफ के लिए, स्कैल्प को क्लियर करने के लिए काफी अच्छा है। पूरी तरह से आयुर्वेदिक फॉर्मूला है ये। टॉप थ्री में तीसरे नंबर पर है द मॉम कंपनी का नेचुरल प्रोटीन शैम्पू, इसके अंदर कोई सल्फेट, पैराबेन, सिरकॉन या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। 200 ml आपको मिलेगा 420 का। रिव्यूज फैंटास्टिक हैं इसके। इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है, हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है, कोकोनट है, कोको बेटीन है इसके अंदर, और ऑरेंज और बाकी एसेंशियल ऑयल्स हैं इसके अंदर। बालों को स्ट्रेंथन करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, और ये पहला ऐसा इंडिया का शैम्पू है जो ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री शैम्पू है। कोकोनट बेस्ड शैम्पू है, आपके बालों को डिटॉक्स करता है,
साथ ही वीट प्रोटीन जो होता है वो काफी अच्छा होता है बालों के लिए। इट इज सुटेबल फॉर ऑयली कर्ली हेयर अगर आपके डैमेज हेयर हैं। और ये साथ ही क्लेम करता है कि जिन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हेयर फॉल होता है ये उसे भी क्योर कर सकता है। तो ये मैं काफी इंपॉर्टेंट मानती हूँ ये चीज। नंबर दो पर है रस्टिक आर्ट का हर्बल शैम्पू। अगेन केमिकल फ्री है, टॉक्सिन फ्री है, बजट फ्रेंडली है, रिव्यूज काफी अच्छे हैं। कोकोनट है इसके अंदर, बमुदा ग्रास, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है और वीट प्रोटीन है। ये नरिश करता है आपके बालों को, स्ट्रेंथन करता है रूट से, हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। लेकिन कई लोगों ने बोला है कि यूज करने के बाद थोड़ा फिजी हो जाते हैं बाल और वॉल्यूम थोड़ी कम होती है। तो अगर आपको सूट करे तो नथिंग लाइक दैट, अदरवाइज आपके पास और ऑप्शन है ही। और नंबर वन पर है होममेड शैम्पू जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। 100% प्योर है, घर पे बना हुआ है, चार सिंपल चीजों से बना हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, रीठा, शिकाकाई, आंवला। आप चाहें तो उसके अंदर कोकोनट का मिल्क, एलोवेरा, मेथी, हिबिस्किस फ्लावर यूज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि घर पर बनी हुई चीज से प्योर कोई और चीज नहीं होती। हालांकि दो तीन प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हमेशा छोटे बैच में बनाना होगा ये। दूसरी चीज कि कई लोग बोलते हैं कि झाग नहीं उठते, अगर आप ऑयल करके, बहुत ज्यादा ऑयलिंग करके इसको उससे ऑयल निकालने की कोशिश करेंगे शैम्पू को यूज करके, तो ऑयल नहीं निकलता। ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई जो मैंने आगे शैम्पू बताया है वो इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके यूज कीजिए। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये थे मेरे टॉप केमिकल फ्री शैम्पू हेयर को रीग्रो करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन आपको क्या देखना है कि आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा सूट करता है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, हेयर फॉल है, आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इज इट डैंड्रफ, आपकी स्कैल्प हेल्दी नहीं है, थिनिंग है बालों में, आपका बजट क्या है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है, शैम्पू अवेलेबिलिटी आपके एरिया में। आप ऑनलाइन तो खरीद सकते हैं बट फिर भी अवेलेबिलिटी मैटर करती है और सूटेबिलिटी कि आप सूट करते हैं या फिर नहीं। तो डिसीजन जो है वो आपका है। लेकिन ये है टॉप 10 केमिकल फ्री, टॉक्सिन फ्री शैम्पू जो आपको इंडिया में मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Do follow me on Instagram and Twitter. Stay healthy, stay fit. Bye-bye.